हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कोविड-19 या कोरोना वायरस जिसे कहते हैं, वो पूरे दुनिया में फैल गया है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ट्रैवल प्लान कैंसिल हो गए। मेरे भी बहुत सारे ट्रैवल कैंसिल हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज एक नया वीडियो रिलीज़ करती हूँ और ये वीडियो होगा मेरे लास्ट ट्रिप का। मैंने लास्ट मंथ में पांडिचेरी की ट्रिप की थी और वहाँ से मैं गई थी महाबलीपुरम। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो आज आप बैठ कर ये वीडियो एंजॉय कीजिए और इसे एंड तक ज़रूर देखना। और ध्यान रखिए कि सेल्फ आइसोलेट is key to fight this pandemic. जनता कर्फ्यू को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए एंड बी सेफ, बी एट होम एंड टेक केयर ऑफ अदर्स। जय हिंद, जय भारत, एंजॉय दिस वीडियो। यहाँ पर पीछे एक फीमेल थी एंड शी वॉज जस्ट राइटिंग समथिंग ऑन दैट स्टोन एंड आई स्कोल्डेड हर। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में। वेलकम बैक टू फुडिस ट्राइव। मैं हूँ श्वेता और आज आप गेस करो कि मैं कहाँ पर हूँ। सो मैं हूँ पांडिचेरी में एंड इट इज़ लाइक अ कंप्लीट सरप्राइज विजिट टू पांडिचेरी बिकॉज मैं आई थी बैंगलोर टू मीट माई ब्रदर एंड वहाँ से प्लान बना कि लेट्स गो एंड विजिट पांडिचेरी। दो दिन के लिए हूँ यहाँ पर एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर सम अमेजिंग प्लेसेज विच आर हियर इन एंड आउट पांडिचेरी। नींद ज़्यादा हो गई है या कम हो गई, आई डोंट नो, बट चेहरा भी स्वेल हो गया। इट्स 9 AM एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर ब्रेकफास्ट। उसके बाद आई एम गोइंग टू हेड फॉर वन अमेजिंग प्लेस जिसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में बताऊंगी एंड आई नो कि आई एम गोइंग टू लव दैट प्लेस। मैं वहाँ पर पहले भी जा चुकी हूँ जब मैं वीलॉग नहीं करती थी, इसलिए आई एम मोर एक्साइटेड बिकॉज इस बार मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बता सकती हूँ। दैट्स इलीगल, वो नहीं करना है। यू शुड नॉट केज बर्ड्स एंड वो भी इतने छोटे केज में, उन्हें उनका फ्रीडम भी तो ज़रूरी है। पानी पीने के लिए एक ब्रेक और मैं जा रही हूँ महाबलीपुरम। सो महाबलीपुरम इज़ ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम पांडिचेरी जो तमिलनाडु साइड में था। सो पांडिचेरी इज़ यूनियन टेरिटरी और तमिलनाडु इज़ अ स्टेट। बेस्ट पार्ट इज़ कि आप लोग लोकल ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हो। रास्ता बहुत ही सुंदर है, अगर आप ड्राइव डाउन कर रहे हो देन यू लव दिस रोड। क्योंकि मुझे चाहिए सनस्क्रीन। सो एक बहुत फनी इंसिडेंट हो गया अभी पीछे। मैंने एक शॉप में मुझे सनस्क्रीन है तो बोलते नहीं, फेयर एंड लवली है। बड़े मुश्किल से मुझे सनस्क्रीन मिल गया और मैंने ऐसे लेप लगाने के ऐसे लगा लिया है। महाबलीपुरम को महामलमपुरम भी बुलाया जाता है, एक्चुअली वही इसका रियल नेम है। अगेन आई माइट प्रोनाउंस इट रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट अ तमिलियन। महाबलीपुरम में आप लोगों को एक टिकट लेना होगा और वो टिकट विल कॉस्ट यू अराउंड 40 rupees। One ticket is valid for all heritage sites which are here in Mahabalipuram. ये है सबसे पहली साइट महाबलीपुरम में जो मैं विजिट कर रही हूँ, दैट इज़ अर्जुनाज पिनहांस। अर्जुना की कहानी। अर्जुना ने एक तपस्या की थी एक वेपन पाने के लिए जिसका नाम है पशुपथा और वो उन्हें पाना था शिव जी से। तो वो जो वेपन है दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है। ये जगह उसी की कहानी डिपिक्ट करती है। सो ये वही जगह है जहाँ पर मोदी जी आए थे अक्टूबर में विद प्रेजिडेंट ऑफ चाइना। यूनेस्को ने ये साइट को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैंने कहा था दैट वाज आई थिंक 2012 व्हेन आई केम एंड आई जस्ट विजिटेड पांडवास 5 रथा। बैटरीज ख़त्म हो जाती है बीच बीच में तो उसे चेंज करते रहना पड़ता है। आई ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा बैटरी। कोई भी हेरिटेज साइट के ऊपर माइक्रोफोन और स्टैंड्स अलाउड नहीं है। सो दिस रॉक इज नोन एज कृष्णाज बटर बॉल। जैसे मक्खन बनता है ताज़ा ताज़ा तो एक बॉल शेप में बनाते हैं। ये रॉक जो है ये बिल्कुल ही एज के ऊपर है और कोई उसको कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। स्टिल इट इज़
स्टेबल एंड इट्स देयर. वो रहा कृष्णाज बटर बॉल. वो रॉक जितना छोटा दिख रहा है उतना है नहीं, इट्स क्वाइट बिग. एंड बेस्ट पार्ट इज वी कैन गो टिल देयर. इंडिया में टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और उसी की वजह से आप जितने साइट्स विजिट करोगे वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अंदर आने के बाद में रेस्टरूम है, 3 टिकट काउंटर्स बने हुए हैं. सो दीज ऑल थिंग्स मेक्स ट्रैवलर्स लाइफ ईजी. अभी यहाँ पर पीछे एक फीमेल थी एंड शी वॉज जस्ट राइटिंग समथिंग ऑन दैट स्टोन एंड आई स्कोल्डेड हर. ये सारी प्रॉपर्टी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये अपना हेरिटेज है, तो उसको संभाल के रखना ताकि अगले आने वाले जनरेशन देख सके, वो हमारी जिम्मेदारी. सो इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस देन प्लीज डोंट विजिट. अभी यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो हम लोग टॉप पर पहुँचेंगे. अभी मैं हूँ राज गोपुरम पे. सो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि ये जो गोपुरम है ये इनकम्प्लीट है एंड दिस वॉज सपोज टू बी द मेन एंट्रेंस. दैट इज द टॉप मोस्ट स्टोन ऑफ अर्जुनास कंपनी. जो पूरा महाबलीपुरम घूमने के लिए तो आपको कोपा ही वाज चाहिए, लेकिन सिर्फ ये वाली प्लेस यू कैन स्पेंड ऑलमोस्ट 1 or 2 hours. कृष्णास बटर स्टोन का जो पूरा एरिया था वो यहाँ तक है और अभी मैं जा रही हूँ पांडवास 5 रथ. हम लोग हैं यहाँ पर और थोड़ी देर पहले मैं इस एरिया में थी. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बटर बॉल का एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो ये देखो यहाँ तक है जंक्शन है. यहाँ पर आके मैंने ऑटो किया, 50 rupees लिए उन्होंने बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट वॉक ऑफ 10-15 minutes. सो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम बचाते हैं, 6 बजे वो बंद हो जाते हैं. सो यू नीड टू रश इफ़ यू हैव टू कवर एवरीथिंग. यहाँ पर 5 पत्थर से बने हुए रथ है और ऐसे कहा जाता है कि वो 5 पांडव के रथ है. एक और छोटा रथ है जो द्रौपदी रथ. ये जो सारे मॉन्यूमेंट्स हैं महाबलीपुरम में ये सारे पल्लव और डायनेस्टी के अंदर आते हैं. ये क्विकली मैं आप लोगों को सारे 5 रथ दिखाती हूँ कि जो टिकट मैंने पहले लिया था वही टिकट अभी भी काम में आएगा. वैसे अगर मैं बताऊँ तो 2012 के कंपेयर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हो गई है, लेकिन यहाँ पर 5 रथ है और एक छोटा रथ है वो है द्रौपदी का एंड एक एलिफेंट की मूर्ति है. आई एम जस्ट गोइंग टू गो टूवर्ड्स इट. स्पेंड कर सकते हो ऑलमोस्ट आधा घंटा और उसके बाद में यहाँ पे एक गार्डन है. आपके साथ बच्चे हैं तो आप लोग वहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो शोर टेंपल है वो मिस नहीं करो. और अभी यहाँ से मैं जाने वाली हूँ शोर टेंपल के लिए और शोर टेंपल के वहाँ से आई एम श्योर कि मुझे एक बहुत ही सुंदर सनसेट देखने मिलेगा. सो आई एम हेडिंग फॉर शोर टेंपल.